विनर ना बनने पर फिनाली पार्टी में मंडली ने उड़ाया प्रियंका का मजाक, प्रियंका ने कर दी बोलती बंद। क्या कुछ हुआ है, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है, बताएंगे आपको यहाँ पर टीवी धमाका की इस खास रिपोर्ट में। वेल, बहुत स्वागत है आपका टीवी धमाका पर। और यहाँ अभी आफ्टर फिनाले बहुत ही खास अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। फिनाले हो चुका है बिग बॉस सीजन 16 का, विनर मिल चुके हैं MC Stan। MC Stan विनर तो बन गए बिग बॉस सीजन 16 के, लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग शॉक हैं इस बात से, क्योंकि ऐसा मानना था सभी का कि शिव या प्रियंका में से ही कोई एक विनर बनेगा। खैर, ये तो एक बात रही, पर अब प्रियंका जब बाहर हुई, यानी कि प्रियंका जो है वो टॉप 2 तक भी नहीं पहुंची, टॉप 3 तक पहुंचकर प्रियंका घर से बेघर हो गई, तो फिनाले पार्टी में निमृत ने मंडली के साथ मिलकर उड़ाया प्रियंका का मजाक। इस तरह से निमृत कहती हुई नजर आई है प्रियंका को। ये खबरें आ रही हैं कि देखा, मैंने तो कहा ही था ट्रॉफी मंडली के पास आएगी, ट्रॉफी मंडली के पास ही आई। प्रियंका वैसे भी जीतना डिजर्व करती ही नहीं थी, इस बात का प्रियंका को लगा बहुत बुरा, क्योंकि प्रियंका बहुत ही ग्रेसफुली टॉप 3 के बाद जब सलमान खान ने अनाउंस किया कि वो टॉप 2 में नहीं पहुंची हैं, तो वो बहुत ग्रेसफुली जो हैं वो वहां से निकल आई कि ठीक है कोई बात नहीं। इवन अंकित इमोशनल नज़र आए, लेकिन प्रियंका ज़्यादा इमोशंस जताती हुई दिखाती हुई नज़र नहीं आई। पर जब निमृत ने उन्हें इस बात के लिए ताना मारा कि उन्होंने ट्रॉफी नहीं जीती है, मंडली उनका मजाक बनाती हुई नज़र आई कि ट्रॉफी तो मंडली के पास ही आई है, तो प्रियंका बोली कि मैं जानती हूँ ट्रॉफी मंडली के पास आई है, लेकिन मुझे जनता का इतना प्यार मिला, मैं इतना यहाँ तक पहुँची, ये मेरे लिए बहुत है और मैं डिज़र्व करती हूँ जीतना, डिज़र्व करती थी मैं जीतना, भले ही जीती नहीं लेकिन मैं जीतना डिज़र्व करती थी, तभी तो सलमान सर भी स्टेज पर मेरे बारे में वो सब कुछ कहते हुए नज़र आए। उनकी बातों से साफ था कि वो भी मुझे विनर के तौर पर देखना चाहते थे। इस तरह मुँह तोड़ जवाब दिया प्रियंका चहर चौधरी ने निमृत और मंडली को, और ये काफ़ी हद तक सच भी है। सलमान खान ने जिस तरह से रिएक्ट किया प्रियंका के बाहर आने पर कि प्रियंका अकेली लड़ी, किसी ने उसका साथ नहीं दिया था, फिर भी वो अकेली लड़ी, फिर भी उसने सबको मुंह तोड़ जवाब दिए, तो साफ तौर पर दिख रहा था कि सलमान खान भी ये कंफ्यूज हो गए हैं कि कैसा ऐसे पॉसिबल है। लेकिन अब हो तो ये चुका है, प्रियंका बाहर आ चुकी थी, लेकिन यहाँ उन्होंने एक बार फिर से मंडली की बोलती बंद कर दी फिनाले पार्टी में। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, अपने कमेंट्स के जरिए बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।